दो अटैक्स बलूचिस्तान में और केपीके की तरफ भी एक झड़प हुई है, साथ साथ सरफराज बुगटी साहब ने जो है इल्जाम लगा दिया है भारत के ऊपर कि जी सब कुछ भारत करवा रहा है। ये पहले भी यही हमारे यहाँ तरीका रहा है, आपने पहले भी देखा होगा जब इस किस्म का कुछ होता है तो जब इन्हें खुद कुछ समझ नहीं आती तो ये भारत का नाम लगा देते हैं, क्या कहेंगे आप? आरजू, सबसे पहले तो मैं शर्मिंदा हूं। सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आज अगर कोई इस्लामिक स्कॉलर है, जो कि बहुत है, क्योंकि आपके पास फतवा देने वाले मौलवियों के अलावा दूसरी चीज तो है ही कोई नहीं है, क्योंकि आपने ना इंग्लिश पढ़ी है ना मैथ पढ़ा है, आपने इसी चीज पे चूरन बेचा है, तो आज वो कहाँ है? मेरा ये क्वेश्चन एक है कि या तो ये जो इनोसेंट लोगों को मारा जाता है, इसमें इस्लाम इस्लाम की क्या पोजीशनिंग है इसके ऊपर, एक। और मस्जिदों के अंदर घुस के जो बम मारे जाते हैं, अटैक किए जाते हैं, इनके बारे में फतवे क्यों नहीं ये दे रहे? ये बाहर निकल के कौम को क्यों नहीं बताते कि ये काम ना करो? क्या वजह है इसकी? ये इतना लुक्रेटिव कारोबार है कि वो नहीं करना, इसको बंद नहीं करना चाहते? इससे इसमें इतना पैसा है, ये इतना चूरन बिकता है 12 रबीउल अव्वल, मुझे आप सोच नहीं सकते। मैं इतना खुश हूं आज कि मुझे भारत से बहुत ज्यादा मैसेजेस आए इसके ईद ईद मिलादुन नबी के ऊपर। मेरे हिंदू भाइयों ने बहुत मैसेज किए, मुझे मुबारकें दी, और मैं इतना प्राउड फील करता हूं कि वो इतना मुझसे प्यार करते हैं कि जिसकी हद कोई नहीं है। लेकिन ये है कि अंतर मस्जिदों में घुस घुस के ये बम मार रहे हैं। मेरा सबसे पहला तो ये क्वेश्चन ये है कि बेदोष लोग जिनका कोई कसूर नहीं है, कोई किसी नस्ल और रंग किसी मजहब का भी हो, उसको मारना इस्लाम में जायज है क्या? और फिर उसके बाद मस्जिद, जो कि आप कहते हैं खुदा का घर है, वहां अंदर घुस के जब इन्होंने बम मारे हैं, वो कौन है लोग? वो तो मुसलमान है। और फिर उसके बाद अब मैंने आज सुबह उठते पढ़ा, वो उसका ज्यादा अफसोस हुआ मुझे, कहते हैं जी राह मुलव्वस है। आप किस चीज में मुलव्वस है? आप रोक क्यों नहीं रहे राह को भैया? अगर आप में इतना तपड़ है, फिर तो आप रोकते क्यों नहीं उसको और अपना होमवर्क ना करें? अब टीटीपी ने कहा है हमने नहीं किया, फिर आपने पहले पहले आपकी कोशिश यही थी, मैं बिल्कुल इसको वाच कर रहा था बड़ा क्लोजली, पहले इनका ये सोचते रहे शायद टीटीपी ने किया, उन्होंने कहा भी हमने नहीं किया, फिर ये सोचते रहे आईएसएस ने किया होगा, उसके पीछे ये जाने की कोशिश करते रहे, अब तीसरा वहां से भी कुछ नहीं मिला, फिर इन्होंने राह पे लगा दिया। अभी जिस चीज को इन्होंने, जिसके बारे में जवाब ना देना हो, जिस चीज का चैप्टर क्लोज करना हो, ये फौरन कह देते हैं ये जी राह ने किया है, फिर उसके बाद स्टोरी खत्म, स्टोरी खत्म। लेकिन मैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि माओं के बच्चे मर रहे हैं, माओं के बच्चे मर रहे हैं, खुदा रहा कुछ इसका करो। और मैं असली इसका मुझे भी बता देता हूं क्या, ये हर अंधे बंदे को पता है, इस वक्त आपके 1 करोड़ से ज्यादा अफगान महाजरीन घूम रहे हैं खुलेआम पाकिस्तान के अंदर, और दूसरा ना वो अपनी आपकी मर्जी से आए थे ना आपकी मर्जी से जाएंगे, वो आपसे ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और वो नफरत करते हैं पाकिस्तान से, पता है आपको इस चीज का, वो बंगालियों से ज्यादा नफरत आपसे करते हैं। अफगानिस्तान का एक एक बच्चा आपसे नफरत करता है। अब मैं उसकी मिसाल बताना चाहूंगा, दुबई में आपका मैच हुआ अफगानिस्तान के साथ, अगलों ने कुर्सियां उठा उठा के स्टेडियम में आपके सरों पर मारी, गालियां दी उनको, आपको वो पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर आपको गालियां देते हैं और आप कहते हैं राह कर गया ये सारा कुछ, ठीक है ना, खत्म कर दी बात आपने, एंड ऑफ द स्टोरी, राह कर गया खत्म। आप ना को पूछने वाला ना बताने वाला सर। एक चीज और है सर, एक चीज और है, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ ने कहा था कि जो ऑयल और दूसरी चीजों की स्मगलिंग होती है बलूचिस्तान साइड से वो बंद की जाएगी, उसके बाद भी ये इस किस्म की बात हुई है, इस किस्म का एक्शन हुआ है या ब्लास्ट हुआ है, एक रीजन। लेकिन देखें आरजू, दर हकीकत मिसमैनेजमेंट है सारी, और एक चीज की मिसमैनेजमेंट नहीं है मेरे वतन अजीज के अंदर, हमारे साथ हर जगह पे धोखा हो रहा है, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियों के साथ। ये जो ब्रिटिश एजेंट है, इन्होंने हमारे सर पे चढ़ गए हैं, ये उतर नहीं रहे। मैं उसकी मिसाल ये बताना चाहूंगा, पिछले दौर में किन्होंने कहा था कि टीटीपी को लाके आबाद किया जाए? आपकी पूरी मूवमेंट एक चली थी, आपने कहा था नहीं जी भी पाकिस्तान नहीं है, इनको लाके इनको घरों में बसाया जाए। अब वहां पे जब अफगानिस्तान में पैसे बनाते रहे, मुजाहिदीन बनाते रहे, वहां कई अरब ममालिक से लोगों ने आके उन अफगानियों से शादियां कर ली, उनके आगे बच्चे हैं, वो बच्चे पैदा कर रहे हैं। आपके अफगानी पाकिस्तान में बच्चे, पहले कभी सुना था कि 2-2.5 लाख है, अब वो 1 मिलियन के 1 करोड़ के करीब हो चुके हैं, और आपके कंट्रोल में भी नहीं है वो।
आप बयानिया की हद तक सिर्फ आपके काकड़ साहब ने बयान दिया है कि जिनके पास वीजा नहीं है उनको घर भेज देंगे, वो किस तरह जाएंगे, जाते हैं वो किस तरह चले जाएंगे, वो क्यों जाएंगे, वो वहां तो भूख मरी पड़ी है, वहां तो वो जाएंगे। लेकिन ये कि इसका करना हो तो आप फर्क हबीब को जाके ग्वादर से भी पकड़ लेते हैं, विल हो और इस पे आपको विल दिखानी होगी, माओ के बच्चे मर रहे हैं। और दूसरा, इकॉनमी अगर ठीक करनी है तो जब तक ये बमों से आप जान नहीं छुड़ाएंगे इकॉनमी ठीक नहीं होगी। हजूर इसमें अर्ज ये है, जहां इस तरह के हालात होते हैं वहां से पैसा भाग जाता है, कारोबारी लोग सबसे पहले अपना बोरा बिस्तरी बंद करते हैं, भाग जाते हैं, बाहर से लेके कुछ नहीं आते, जो होता है वो भी लेकर भाग जाते हैं। आपको ये ठीक करना होगा। ये आप ये इलेक्शन रोजाना करते हैं, कभी किसी पार्टी वाले सियासी पार्टी वाले के मुंह से सुना है कि इकॉनमी किस तरह ठीक करनी है? अकादमी किस तरह ठीक कर लेंगे इन धमाकों के साए में? और दूसरा, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, कोई आज सवाल मुझे ये बताए, आपने अभी तलवे चाट चाट के आई है वालों से पैसे लिए, तलवे चाट चाट के, फिर आपने वो अपने एमएनएस को दे दिए। अमीरुल मोमिनीन साहब भी जाती दफा अपने एमएनएस को पैसे देकर गए, फिर उसके बाद ये पिछली 16 साल की जो 16 महीनों वाली गवर्नमेंट थी, फिर इन्होंने आईएमएफ के पैसे लेकर इन्होंने अपने एमएनएस में बांटे तरक्याती मनसूबों के चक्कर में। सबसे बड़ा जुल्म जो नजर आ रहा है मुझे, ये बताएं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब निकले हैं वहां से बच्चों को साथ लेकर सरकारी खर्चे पर, तीन मुल्कों में गए हैं, हासिल क्या हुआ उससे? उनको इजाजत किसने दी थी कि तीन मुल्कों में बच्चों को लेकर घूमते रहे? और ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मेरी मुझे भी इंफॉर्मेशन ये मिली है कहीं से, मीडिया से सुना है, एफिल टावर के ऊपर जाके रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में वहां उन्होंने खाना खाया बच्चों के साथ, बिल फ्रांस की पाकिस्तान एम्बेसी ने दिया। ये खबर मैंने कहीं से सुनी है, पढ़ी है आपके किसी बड़े मौत में बहुत, और अब उन्होंने कन्फेशन भी कर लिया, हाँ जी मैंने वहां गया था, बल्कि तीन मुल्कों ने, चार मुल्कों में, सऊदी अरेबिया में उन्होंने उमरा भी जाके सरकारी खर्चे में किए। बिल्कुल, कोई उसका जवाब दे सकता है? कोई पूछ सकता है कि जो पाकिस्तान के हालात हैं इस दौर के अंदर, इन सरकमस्टांसिस में, इनको जाना चाहिए था? केयर टेकर गवर्नमेंट है, कोई अखलाकी जवाब इनके पास है? जिनका सिर्फ एक सब एक इनका फर्ज है इनका कि 90 डेज में फेयर और स्पीडी इलेक्शन कराए जाएं, क्या इन्होंने यूनाइटेड नेशंस को जाके बताना था कि हमने बैलेट पेपर किस तरह बनाना है? क्या इन्होंने हासिल किया वहां से? और कोई इनको पूछने वाला है? जिन्होंने इनको बनाया, जिन्होंने एक घड़े में से, मटके में से इनका नाम निकाला, आज उनसे क्यों नहीं पूछते, भाई आप बच्चों को लेकर एफिल टावर क्यों चढ़े गए थे? आप उम्रे पे जा रहे हो कि यूनाइटेड, आप पिकनिक पे हो, हनीमून पे हो, किस चीज पे हो भाई? यूनाइटेड नेशंस में हनीमून बनाया जा रहा है, आपका तो पोर्टफोलियो ही नहीं है कि जाके बोले आप उसके यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से। आप मिनते करते रहे कतरियों से मिलने की, वो नहीं मिले आपसे, आप तक टर्की वालों की मिनते करते रहे, वो भी नहीं मिले आपको, मिला तो है कोई नहीं, आप यूके में भी कोई नहीं मिला सर, क्यों मिलेगा क्यों भाई? को पता है कि जब तक आपने वापस पहुंचना आपका टाइम एक्सपायर हो जाए, और दूसरा आपके पास मैंडेट ही है, आप इलेक्टेड नहीं है, आप तो मटके में से पर्ची निकली है तो आप प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन कुछ तरस करते हैं यार कि पाकिस्तान के पास ना पैसा है, ना तेल है, ना खाने को चीज है, ना पीने को है, और आप एफिल टावर के ऊपर बैठ के बच्चों के साथ आप डिनर कर रहे हैं। लोग ये ऑप्टिक्स क्या देखेगी दुनिया, ऑप्टिक्स क्या देखेगी? जब फ्रेंच लोगों को पता लगा होगा, जब ब्रिटिश लोगों को पता लगा होगा, दूसरी एजेंसियों ने देखा होगा कि ये प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, फिर आप कहते हैं पाकिस्तान की इज्जत कोई नहीं, फिर आप कहते हैं पासपोर्ट हमारा ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत कोई नहीं। यार कुछ मैं हैरान होता रहता हूं आरजू, देखिए कुछ मॉरल्स होते हैं यार कि मैं एक गरीब मुल्क का, मैं एक बैंकरप्ट मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूं यार, इनको तो चाहिए साइकिल पे आते हैं यहाँ पे, और यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि नहीं मेरे कमरे का एसी बंद कर दो, हाँ, बिल आ रहे हैं। जो लोग लाए सर ये उनके भी कंट्रोल में नहीं है सर, जो लोग इनको लाए क्या ये उनके कंट्रोल में भी नहीं है? नहीं, ये बात खैर मैं नहीं मानूंगा, उनके कंट्रोल में तो हर कुछ है, उनके कंट्रोल तो उसमें तो पाकिस्तान के ऊपर से चिड़िया भी उनसे पूछ के पर मारती है, ये नहीं मानती है, मैं इससे डिसएग्री करूंगा। 7 लाख स्ट्रॉन्ग है, ऐसी बात नहीं है, तैयारे हैं, तोपे हैं उनके पास, गने हैं उनके पास, आप कैसी बातें करते हैं? जो काम करने को डॉलर आ नहीं रहा नीचे, आप कहती उनसे भी स्ट्रॉन्ग है, डॉलर से स्ट्रॉन्ग क्या होना पाकिस्तान में, नीचे नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था 250 के करीब लाना है, पर मार के दिखाए डॉलर वहां पे, करना हो तो कर लेते हैं, लेकिन क्या बात, मैं यही तो मेरा आलमिया है कि जो करने वाली चीजें क्यों नहीं करते, पाकिस्तान बचाने वाली चीजें क्यों नहीं कर रहे, इनकी स्पीड क्यों स्लो है, ये कहता हूं।
हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब लगे हैं, अभी तक मैं मायूस नहीं हूं उनसे, ना उम्मीद नहीं हूं, ना ही मैं काजी फैज ऐसा से अभी तक मायूस हूं, लेकिन स्पीड स्लो है इनकी, स्पीड स्लो है। और खासकर ये जो बच्चा, ये जो आपने वजीर आजम रखा है, ये इससे पूछे तो भाईजान के क्या किया आपने, ये क्यों किया यार आपने, लोग पूछ रहे हैं, 25 करोड़ लोग पूछ रहे हैं यार, ये हनीमून था, ये क्या था, ये कहां गए थे, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में आपको पुतिन नहीं आए वहां पे, मोदी नहीं आए वहां पे, ऋषि सोनक नहीं आए वहां पे, इनका जाना कौन सा जरूरी था भाई वहां, क्या कितनी मुसीबत पड़ गई थी, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लाजमी आए भाई, हम मिस कर रहे हैं इनको, ये बहुत हैंडसम जेंटलमैन आया है और इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, इनको लाया जाए, स्पीच करें, इनसे हम नई चीजें सीखना चाहते हैं, किसने कहा था ये इनको। और सर मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे हैं और इंटरव्यूज में बता रहे हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का, साफ बता रहे हैं। नहीं, साफ क्या बताना है, कभी कह देते हैं हम चाइना के इजराइल हैं, कभी कह देते हैं वो जी इमरान खान के बगैर इलेक्शन होगा तो कोई नहीं है, कभी उसके बाद ये हो जाएगा, पता नहीं क्यों मेरे तो वो समय से बाहर है। आज वो हमारे बलोचिस्तान के भाईजान है, उन्होंने कह दिया ये रा इसमें मुलव्वस है, तो भाई आप रोक लेते ना रा को, अगर आपके पास इतनी क्लियर इंफॉर्मेशन है हर चीज की तो रोकते क्यों नहीं इन चीजों को, डूब चुका है बल्कि बैंकरप्सी से अगली स्टेज पर जा चुके हैं। लेकिन अफसोस के साथ है, मैं क्या कहूं इसका, कि इसमें जो सबसे बड़ी बात यह थी कि जो हमारे वजीर आजम साहब जो खासकर जो कुछ आजकल कर रहे हैं, मेरा मकसद है सिलसिला ये ठीक नहीं है, पाकिस्तान की गुडविल के लिए ठीक नहीं है, और मेरे ख्याल में इसका नोटिस लेना चाहिए इदारों को, या किसी ना किसी को, अगर कोई जवाब दे हैं ये, और जो सरकारी खर्चों को ये दूसरी दुनिया के लिए कहते कौम कुर्बानी दे, कौम कुर्बानी, कौम तो मर चुकी वैसे ही, कौम जिस तरीके से वहां पे आपने सारी चीनी स्मगल कर देते हैं आप, सारा पेट्रोल जो है वो आप जिस तरीके से प्राइसें उसकी कर दी हैं आपने, वहां पे तो लोगों का सांस लेना जो है वो मुश्किल हो चुका है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये कि इनके तैयारे कौन रोकेगा, इनके जहाज, इनके सरकारी खर्चे कौन रोकेगा, मैं इससे बड़ा परेशान हूँ। सर हमारी क्रिकेट टीम गई है भारत, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि कोई दुश्मन टीम आई है, और यहाँ से जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है जका अशरफ साहब, वो कहते हैं जी दुश्मन मुल्क में खेलने गए, वो अपनी स्पीच में ये कहा है, बहुत बुरा मनाया इंडियंस ने, बल्कि पाकिस्तानियों ने भी बहुत बुरा मनाया इस बात का। बस मैं इसमें जिस तरह वो फिर उन्होंने रा का कह दिया, जका अशरफ साहब ने भी उसी के आसपास ही जो कुछ स्टेटमेंट देनी थी, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में जिस तरह मैं हमेशा ये कहता हूं आपको कि आपने 76 साल नफरतें कर ली हैं, कुछ किसी को प्यार मोहब्बत को भी टाइम देकर देखें, कोशिश करें कि, और दूसरा हकीकत पसंद आना हो आपके लिए जरूर, आपके लिए लाजम है भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना और ट्रेड करना, और इसी तरह आपका लाजम है जो आप चीनी स्मगल करते हैं अफगानिस्तान में उसको ट्रेड के जरिए भेजें, लीगल भेजें, जो सीमेंट खादे आप स्मगल करते हैं, यही तो वजह है, क्योंकि स्मगलिंग में हर पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, स्मगलिंग में पैसा बनता है बहुत ज्यादा, लेकिन कौम का भला नहीं होता, यही आप चाहते हैं कि चीजें इलीगल तरीके से स्मगल होती रहें, लीगल ट्रेड ना करें, यही तो वजह है मेरे ख्याल में। तभी तो मैं हमेशा ये चीखता हूं आरजू के मुल्क की मुफाद में फैसले नहीं करते, और वो नहीं कर पाएंगे जो पाकिस्तानी नहीं है, इस वक्त आपको चलाने वाले पाकिस्तानी नहीं है, सारे ब्रिटिशर हैं, लंदन माइंड सेट है उनका, बाहर के पढ़े लिखे लोग हैं, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के पढ़े हैं, आपको लोकल तालीम याफ्ता लोग चाहिए जिनके बच्चे और जीना मरना पाकिस्तान के अंदर हो, और वही पाकिस्तान बचा पाएंगे, यही आपकी ट्रेजेडी है मेरे ख्याल में। मैंने अगले दिन किसी जगह कहा था कि मैं खुदा रहा ये सीएसएस वालों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना बंद कर दो, अगर इतना शौक है तो ऑनलाइन डिग्रियां आजकल अमेरिका में भी लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, ये ऑनलाइन पढ़ा करें तो ज्यादा बेहतर है। पहले जो यहाँ से आके ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से पढ़ के गए उन्होंने कौन सा पाकिस्तान बचा लिया है, जो ये बचाएंगे, होता क्या है जब यहाँ आते हैं बच्चे यहीं छोड़ जाते हैं, मकानों पे निशानियां ले जाते हैं, और फिर जाके पाकिस्तान में रिश्वत लेते हैं, रुपयों में नहीं लेते, डॉलरों और पाउंडों में लेते हैं, फिर ये जुल्म है, इसको जुल्म को बंद करें प्लीज खुदा रहा, क्योंकि आप इस काबिल नहीं है, क्योंकि आप आते हैं यहाँ पे ऑक्सफोर्ड से हार्वर्ड से मनी लॉन्ड्रिंग सीखते हैं, आप वहां से कोई चीजें आप नहीं सीखते, और कोशिश करें कि आप बल्कि सबसे पहले एक प्रोग्राम शुरू करें स्कूलों कॉलेजों में और सीएसएस कि इनको बताया जाए कि पाकिस्तान से प्यार किस तरह करना है, ये कोर्स एक कोर्स ऐसा क्रिएट करें, हाउ टू लव पाकिस्तान, हाउ टू लव पाकिस्तान, तो वो बिल्कुल
बल्कि मैंने आपको बताया था मैं इस पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ कि जितने बड़े कॉलेजेस स्कूल्स हैं इनसे मिलूं, इनको लेटर लिखूं कि खुदारा ये जो हमारे लुटेरे आते हैं पाकिस्तान से आपके इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने जाने से पहले इनसे हल्फिया बयान पे साइन कराया करें कि मुल्क को नहीं लूटना जाके। ये मैं सोच रहा हूँ कि आईवी लीग स्कूलों को ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज मिलूं जाके कि खुदारा ये मनी लॉन्ड्रिंग सिखाना हमारे लोगों को बंद करो, और अगर इनको एडमिशन देने हैं, तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो जाने से पहले इनसे अंगूठा लगवाया करो खुदारा कि जाके मुल्क को लूटना नहीं। ये मैं सर ये मान जाएंगे, सर ये हलफ उठाएंगे तो ये मान जाएंगे कि आपके ख्याल से ये तब भी वही करेंगे। लेकिन आज बड़ी न्यूज चल रही थी कि जी IMF जो है बड़ा मुतमईन है पाकिस्तान से, IMF बड़ा खुश है कि सब शर्तें पूरी हुई है, उनका कारोबार है, बहुत खुश है, वो उनको खुश होना, उन्होंने नाराज क्यों हो गए आपसे? आप जो वो चाहते हैं आप दे रहे हैं उनको, वो तो खुश है, बहुत खुश है। मुझे ये बताएं IMF की खातून ने हमारे जो मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको यहाँ पे कहा था भाई अमीरों से पैसा लेकर गरीबों में दे, वो तो सुने नहीं है उन्होंने। हाँ मुझे पता है FBR की मीटिंग हुई आप जिसकी बात कर रही हैं, FBR ने कहा कि हम टैक्स कलेक्शन जो है अपना हदफ पूरा करेंगे। कौन सा हदफ पूरा करे, कौन टैक्स दे रहा है पाकिस्तान में? IMF वालों ने कहा है कि हम आपकी टैक्स कलेक्शन से मुतमईन है, यही कहा मुझे पता है। आज ये FBR के साथ उनकी मेरा ऑनलाइन मीटिंग थी, आपको उनका था सारा सिलसिला, उन्होंने रिपोर्टें बताई हैं कि हम अपना टैक्स कलेक्शन पूरी करेंगे। अगली किस्त भी तो लेनी है ना, अगली किस्त भी तो लेनी है, उसकी तैयारियां कर रहे हैं, शॉपिंग नहीं कर रहे लंदन में, कई प्रोजेक्ट फंसे हैं हमारे अफसरों के, कईयों के घरों के बयाने दे रखे हैं इन्होंने, वो किस्त किस तरह देंगे? वो अग्री पेमेंटें देनी है घरों में टोरंटो में और या लंदन में। भाई मुझे बताए IMF का कोई बंदा जो पैसे जो देते हैं पाकिस्तान वो पाकिस्तान पहुंचते हैं, बताए मुझे, ये पाकिस्तान तो पहुंचते नहीं है, वो तो लंदन से टोरंटो के लिए लेते हैं IMF का खर्च जो है, पाकिस्तान का खर्चा तो गरीब आदमी तो अपनी पेट काट काट के कर रहा है, वो दो वक्त के खाने के बजाय वो एक वक्त पे आ गया, वो बच्चे की ट्यूशन फीस देता है, बिजली कट जाती है, बिजली का बिल देता है तो दूध वाले का बिल खत्म हो जाता है, वो तो खुद चल रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये IMF का ये तो तड़का है अफसरों के लिए, ये बोनस है, ये बोनस पॉइंट है, IMF के खर्चे, सऊदी अरेबिया से लोन ले लिया, UAE से, ये तो दुबई और लंदन के लिए होता है सारा कुछ, तो चले। लेकिन ये कि जब तक ये आरजू, जब तक अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड नहीं होगी, 10,000 लोगों का ECL में नाम नहीं होगा, जब तक आप कुछ 100-150 बंदे को पकड़ के 50-50 साल की सजा जेलों में नहीं देंगे, क्रॉस द बोर्ड, सिर्फ सियासतदान नहीं है, ब्यूरोक्रेट। एक मैं हमेशा ये बताना चाहूंगा आपको, आरजू करप्शन कभी भी एक बंदा अकेला नहीं कर सकता, सियासतदान के साथ ब्यूरोक्रेट शामिल होता है उसमें, अकेला ब्यूरोक्रेट नहीं कर सकता, साथ सियासतदान भी उसके शामिल होता है। आपका हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ उन्होंने शादियां कर रखी हैं, अब जजों के रिश्तेदार जो MNA है, MNA के साले जो है वो कुछ है, अब मैं क्या बताऊं, ये साले बैनोई की तो गेम है भाई, अब साला बैनोई को अपने जीजा जी को पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा, वो तो कहते जीजा जी। सर इसमें एजेंसीज और फौज भी शामिल है, इसमें एजेंसीज और सब शामिल है इस हमाम, भाई इस हमाम में कच्चा तो पहना ही नहीं किसी ने, सब नंगे हैं इस हमाम में, तो सभी नंगे हैं ना, सभी नंगे, तो सबके बच्चे जब लंदन में है, सबके बच्चे टोरंटो में है, तो वो सब नंगे हैं, सबके खर्चे डॉलरों में है, ये तो पता है उनको, सबको पता है। सर मैं लास्ट में आपसे भी पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर जयशंकर ने भी विजिट किया है US का, उनके विजिट को आप कैसे देखते हैं? उनके विजिट का मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर जयशंकर का उन्होंने एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर के लिए WD क्या है, एक तो वो यहाँ DCM डिप्टी चीफ मिशन रह के जा चुके हैं इंडियन एम्बेसी के अंदर, फिर यहाँ पे एम्बेसडर रहे हैं, मेरी काफी मुलाकात उनके साथ रही डॉक्टर जयशंकर साहब के साथ जब वो एम्बेसडर थे यहाँ पे DCM थे। अब इस टाउन में जब इतना अरसा बंदा रहा हो, उनकी बीवी जैपनीज है और उनका सोशल सर्कल, अगले दिन उन्होंने दो चीज, मैं तो खैर आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा आरजू, मैं पब्लिक स्पीकिंग का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं सोचता हूं कि ये लफ्ज किस तरह पिक किए गए, लफ्जों को फिर मैं डाइसेक्ट करता हूं, मतलब निकालने की कोशिश करता हूं। उन्होंने जो स्पीच थी यूनाइटेड नेशंस में, उसको मैंने डाइसेक्ट किया, मैंने सारे उसका देखे, मतलब फिर उनकी मीटिंग थी, उनकी दो मीटिंग्स हुई हैं टोनी बिल्कन के साथ और उसके बाद जैक सुलिवन के साथ, ये दो तीसरी ट्रेड मिनिस्टर है, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ, ये तो तीन जो बड़ी मीटिंग्स थी, वहां से निकले बाहर, फिर उन्होंने हडसन इंस्टीट्यूट में उन्होंने सवाल जवाब किए, अपने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की तकरीर से पहले उन्होंने फॉरेन अफेयर काउंसिल ऑन फॉरेन अफेयर वहां पे सवाल जवाब किए, तो मैं ये सारी चीजें उनकी सुनता रहा,
जिस तरीके से उन्होंने बार बार, एक तो उन्होंने जो उनकी अचीवमेंट है पिछले साल की अगर देखा जाए तो भारत की पिछले साल दो साल की अचीवमेंट्स अनबिलीवेबल हैं, I2U2 के हवाले से, ब्रिक्स के हवाले से, उसके बाद G20 के हवाले से, ये सिग्निफिकेंस। और जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भारत हैज बिकम अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, दुनिया में जहां को आफत आती है सबसे पहले वहां जाता है। और फिर उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कनाडा के हवाले से, उन्होंने बड़े टेक्निकल, कनाडा का नाम लिए बगैर बड़े टेक्निकल तरीके से उन्होंने उसका, उन्होंने कहा पॉलिटिकल कन्वीनियंस इसका लफ्ज दिया उन्होंने, तो उन्होंने हर चीज को बड़ा बड़े टेक्निकल तरीके से किया। कल उन्होंने अपने डायस्पोरा, मेरे बहुत काफी दोस्त भारतीय दोस्त हैं, उनकी मुलाकातें हुई, कल गए एम्बेसी के अंदर, बहुत बड़ा इवेंट था यहाँ पे भारत की एम्बेसी में। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त भारत जो है इज टचिंग द पीक ऑफ देयर डिप्लोमेटिक सक्सेस, और उसमें एक चीज नहीं है, ये सारा टीम वर्क होता है। यहाँ पे हमारे जो भारतीय एम्बेसडर हैं तरनजीत संधु साहब, ही हैज अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद डॉक्टर जयशंकर एंड ऑल ऑफ हिज टीम अटैच विद द मोदी साहब। तो ये एक ऊपर से ट्रिकल डाउन जो जिस तरीके से कहा जाता है, और नेशनलिज्म होता है, लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। मैं देखता रहता हूं ये परफॉर्मेंस बेस्ड लोग हैं, ये परफॉर्मेंस इनकी देखी जाती है, क्या परफॉर्म कर रहे हैं, इनके दौरों को आपको शायद याद होगा डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा था कि मैं जहाज में सोता हूं दिन, मैं होटल में भी नहीं रहता, जहाज में सोता हूं, दिन को मुल्कों में जाता हूं। वो एफिल टावर के ऊपर सरकारी खर्चे पे जाके वो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाते हो, तब मुल्क, तब कौमें बनती हैं। तो फिर ये मैं तभी तो कहता हूं खुदारा कि हमारे, उनको चाय वाला ऊपर ले गया, कोई पकौड़े वाला, समोसे वाला हमारी किस्मत में भी आए जो हमारे मुकद्दर बदल दे। हमारे तो ये हार्वर्ड ग्रेजुएट है भाई, अंग्रेजियां बोलते हैं बस, और कुछ नहीं बोलते। तो बस अगर मैं बात करूं तो फिर बुरा मनाते हैं भाई। मैं कहता हूं मॉडल वो देखो यार, मॉडल मोदी जी पाकिस्तान तो नहीं आ सकते, मैं किस तरह कह रहा हूं, मुझ पे कभी कहते हो ये राग एजेंट है, मुझे कहते हैं ये राग एजेंट भाई। मैं अगर कहूं कि मोदी जी का मॉडल पाकिस्तान में ले आओ, नेशनलिस्ट बन जाओ, पाकिस्तानी बन जाओ, तो ये राग एजेंट कहेगा तुम्हें, कौन क्यों कहेगा। अगर आप कोई भी ढंग की बात करेंगे तो फिर यहाँ पे यही कहा जाता है, मुझे भी कहते रहते हैं और आपके लिए भी लिखते रहते हैं। मैं कहता हूँ आरजू, अगर आप कहें धोनी अच्छा कैप्टन है, अच्छा खिलाड़ी, कह रही है ये भारतीय इराक एजेंट, और यार वो तो स्पोर्ट्समैन है, अगर वो बॉलिंग अच्छी बैटिंग करता है, अगर उसकी तारीफ करना एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ स्पोर्ट्स, इतनी नफरतें डाल दी जेन में, मैं कई दफा हैरान होता हूं खुदा रहा, आपने इतनी नफरत की है भारत के साथ, इंडिया के साथ, हिंदुइज्म के साथ, सिखिज्म के साथ, आपने अपने दिमाग की खिड़कियां दरवाजे ही बंद कर दिए, इनको खोलो खुदा रहा। मजहब एक प्राइवेट मैटर है इंसान का, हर एक दूसरे मजाहब की इज्जत करना सीखो, मैं ये कहता हूँ इकट्ठे मिलजुल के रहना। सर आज जो क्रिकेट टीम गई है पाकिस्तान की, उसके जो कैप्टन है बाबर आजम, उन्होंने पिक्चर अपनी लगाई है गणेश जी की मूर्ति के साथ, वो बैठे हैं उधर, जो सोशल मीडिया पे उस बेचारे को गालियां पड़ी हैं बेशुमार, क्यों बैठे हो वहां पे। लेकिन आरजू मुझे ये बताएं, आप गणेश जी की कह रहे हैं तस्वीर के साथ उनका पीछे पर, मस्जिदों में बम मार रहे हैं वो, वहां तो नहीं ना, उसका बताइए क्या जस्टिफिकेशन है उसकी। आप किसी हाल में तो राजी नहीं है, आप शिया सुन्नी पे नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को, आप सुन्नी वहाबी पे नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को। गणेश जी तो बहुत बहुत बड़ा दिल गुर्दा होना, जिस तरह मैं यहाँ पे मैं मुझे पिछले दिनों मैंने कहा, मैं कह यार मैं तो अपने जो हिंदू दोस्तों के साथ उनके मंदिर जाता हूँ, अपने सिख दोस्तों के साथ गुरुद्वारे जाता हूँ, चर्चों में जाता हूँ क्रिश्चियंस के साथ, और मेरा फेथ इतना कमजोर नहीं कि वहां जाने से मेरा फेथ कमजोर हो जाएगा। तो मुझे लोगों ने इतने नफरत का निशाना बनाया कि आप सोच नहीं सकते। मुझे किसी ने कहा, मैंने जब कहा, उन्होंने कहा कभी जो तुम ये आके